अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में आपको वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, इसका तरीका यार मैंने पहले भी बताया था, लेकिन यार इसमें कुछ मसला आ रहा था। मेरे एक सब्सक्राइबर ने वीडियो बनाई थी और उसने मुझे सेंड की थी, तो मसला क्या आ रहा था मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, इसमें आप देख लें। तो ये आप देख सकते हैं, एक तो यार इस भाई ने कैमरा नहीं स्टेबल रखा हुआ, ठीक है। और नंबर दूसरे पे जो इसका मसला आ रहा था ना, वो आपके साथ भी आ सकता है, ठीक है। ये बैकग्राउंड रिमूव नहीं अच्छे से हुआ, ठीक है। तो ये कैप करने खुद की है, आप लोग देख सकते हैं इसके कटिंग ओवर ये एरिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये मसला आप लोगों के साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस मसले को किस तरह हल करना है मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, एक दूसरा तरीका बताऊँगा। वीडियो पहले से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उस तरीके से बनाएंगे तो ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने कैपकट को ओपन करना है और इधर से आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है, और वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पर ये वीडियो मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है। वीडियो सिलेक्ट करनी है कुछ इस तरह, आप लोगों ने कैमरे को सबसे पहले ट्राईपॉड पे लगाना है, किसी जगह पे लटका देना है आपका कैमरा ना हिले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कैमरा, ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोगों ने कैमरे से बाहर चले जाना है, कैमरा एक जगह पे स्टैंड पे लगा के कैमरे से बाहर चले जाना, ठीक है। और इधर आप लोगों ने क्लिक करना है वीडियो पे, और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज़ का, ठीक है। तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये हमारा एक स्क्रीनशॉट बन गया, ठीक है। अब आप लोगों ने पहली वाली को इधर से डिलीट कर देना है, ठीक है। और इधर आने के बाद इतने इसे जितना रखना है उधर तक आप लोगों ने वीडियो को रख लें। रख लेने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों ने एक्टिंग कर लेनी है। एक्टिंग करने के बाद जहाँ तक तकरीबन इधर से मैं वीडियो रखता हूँ, तो मैं इधर से स्पीड करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सेंटर वाली। इधर से आने के बाद अब आप लोगों ने इधर तक मैंने रखा, ठीक है। तो तकरीबन इधर आने के बाद इधर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब आप लोगों ने ये जो डब्बा बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करना है, बैग आ जाना है। इधर आप लोगों ने एक कट लगा देना है, इस ये स्पीड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक कट लग गया, ठीक है। और इसको पकड़ के आप लोगों ने फर्स्ट वाले को एंड पे ले जाना है, ठीक है। एंड पे लाने के बाद अब आप लोगों ने इसी तरह बैग आ जाना है और गूगल क्रोम को ओपन करना है, ठीक है। और इधर आप लोगों ने सर्च करना है रिमूव डॉट पी जी, नेट को ऑन कर लेना है, ठीक है। तो पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी, रिमूव डॉट पी जी लिखना है। तो अपलोड इमेज पे आप लोगों ने क्लिक करना है और इस वाली फ़ोटो को जो स्क्रीनशॉट लिया है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है, डन करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसका स्क्रीनशॉट का थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये रेडी हो चुका है मेरा। अब आप लोगों ने इधर डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है, डाउनलोड एचडी वाले पे नहीं करना है, डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके हो गया, इसको ऐसे ही डाउनलोड हो गया, ठीक है। इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब आप लोगों ने इधर ओवरले पे जाना है, ऐड ओवरले पे जाना है, और इधर ये फ़ोटो वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है। और ये स्क्रीन शॉट है, इस पर आप लोगों ने ऐड कर देना है। ये इसका बैकग्राउंड इसमें रिमूव कर दिया, इसको आप लोगों ने अब इस तरह पिक्चर के बराबर कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। तो इसी के बराबर कर लेना है। तो एक्टिंग आप लोगों ने कर लेंगे, इसको पकड़ के आप लोगों ने इस तरह इधर तक रख लेना है वीडियो के एंड तक, ठीक है। अब आप लोगों ने इस वाली पहले वाली पर क्लिक करना है और इधर आपको ऑप्शन मिलेगा ये ओवर लेगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका स्क्रीन शॉट को पकड़ के वीडियो के बराबर कर लेना है। वीडियो के बराबर करने के बाद अब आप लोगों ने इस वाली पर क्लिक करना है, सेंटर वाली पर, और इधर आपको ऑप्शन मिलेगा ये लेयर का, इस पर क्लिक करना है, इसको टू पे कर देना है, ठीक है, याद से टू पे करना है। और अब आप लोगों ने नीचे वाली पे क्लिक करना है और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपासिटी का, इस पर क्लिक करना है और इसको आप लोगों ने कुछ इस तरह से माइनस कर देना है। अभी आप लोग देखना। तो एक्टिंग मैंने यार अपने हिसाब से थोड़ी सी मैंने की थी और आप लोगों ने अपने हिसाब से कर लेनी है, लेकिन वो वाला सीन आपके कटिंग वाला नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देखना। तो मैंने कैमरा थोड़ा सा लो एंगल से लिया, इस तरह वीडियो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अब अगर आप कैमरा स्ट्रेट रखोगे ना तो आपकी वीडियो ठीक बनेगी। पिक्चर मेरी थोड़ी सी छोटी थी, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ।
सिंपल है, आप लोगों ने अब तीर पे क्लिक करना, आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।